two, one, happy new year! Wait, the party shuru ho gayi hai. तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इस तरह का हैप्पी न्यू ईयर रिलेटिंग कैसे आप कर सकते हो वीएन एप्लीकेशन के मदद से। तो अगर आपको भी सीखना है तो इस वाले वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ पे वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, मतलब डाउनलोड कर लेना यहाँ पे प्ले स्टोर से और यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले वीडियो को ऐड कर लेना है और जो भी वीडियो म्यूजिक जो भी होगा सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो को ऐड करने के बाद आपको हमें थोड़ा सा आगे आना है और जहाँ पे भी ये वीडियो एंड हो रहा है, मतलब जहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है इस वाले पार्ट पे आपको स्टॉप कर लेना है। इसे देख सकते हो सेकंड्स 12.54। और यहाँ पे जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला जो लेयर है इसे क्लिक करके डिलीट कर देना और जो ब्लैक लेयर है इसे भी डिलीट कर देना। ये हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपने वीडियो और फोटो वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपने 7-8 फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमारे फोटोज यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फोटोज है उनको आपको यहाँ पे 50 सेकंड्स पे रखना है, मतलब 0.50 सेकंड्स पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है और फोटोज पे क्लिक करके कुछ इस तरह से कर देना और यहाँ पे 50 सेकंड्स पे रख लेना। आप चाहे तो 0.55 सेकंड्स के अंदर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो को ऐड करना है। तो इसके लिए ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करके म्यूजिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो माई म्यूजिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ से आपको अपने इस वाले वीडियो को ऐड कर लेना जो हमने पहले ऐड किया था। तो देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्रिएट एल्बम पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आ जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे यूज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डन। देख सकते हो हमारा ऑडियो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन है देख सकते हो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो जूम वन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना और ड्यूरेशन को यहाँ पे 0.2 सेकंड्स रख लेना। तो इसे अप्लाई करने के देख सकते हो कितना कमाल का इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे सारे फोटोज पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इसके लिए यहाँ पे फोटो के बीच में जाना और नीचे यहाँ पे स्वाइप करना तो आपको यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जूम इन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको सिंपली अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना तो यहाँ पे सारे फोटोज पे आ जाएगा। और इस बार यहाँ पे देख सकते हो फोटो के एनिमेशन कितना कमाल का लग रहा है। नेक्स्ट आपको उस पार्ट पे जाना है जहाँ पे हमने वीडियो को कट लगाया था, देख सकते हो। इस पार्ट पे आने के बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो वीडियो और फोटो वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको इस वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। इस वीडियो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा स्वाइप करना है। यहाँ पे देख सकते हो फिल वाला ऑप्शन, फिल या फिर फिट कौन सा भी क्लिक कर देना तो यहाँ पे फिट ये हो जाएगा, देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसे हमें यहाँ पे रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा और स्वाइप करना है। यहाँ पे देख सकते हो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो ब्लेंड है आपको यहाँ पे रख लेना है इसे स्क्रीन, तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे रील फाइनली एडिट हो चुका है। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा अमेजिंग हमारा वीडियो लग रहा है, बिल्कुल कमाल का। तो आप भी जो है कुछ इस तरह के रील एडिट करके न्यू ईयर के दिन पोस्ट कर सकते हो। जस्ट इस वीडियो को सेव करने के लिए वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना और मैंने जो सेटिंग रखा आपको सेम रखे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है तो आपका जो वीडियो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।